दोस्तों हमारे हिंदी रेल टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन बटन ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अथॉरिटी T609, T806, TA912, TB912, TC912 और TD912 के बारे में। तो आइए, ये है T609 जिसका नाम है रिटन परमिशन बाय गार्ड टू लोको पायलट टू प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेशन फ्रॉम मिड सेक्शन, यानी जब ब्लॉक सेक्शन में इंजन गाड़ी के लोड को नहीं खींच पाता है या किसी अन्य कारण से ट्रेन से इंजन को अलग करना हो अथवा ट्रेन के अगले भाग को पहले स्टेशन ले जाना पड़े, तो ऐसी स्थिति में गार्ड महोदय द्वारा लोको पायलट को इसी T806 पर लिखित अनुमति दी जाती है। इसे दो प्रतियों में जारी किया जाता है, प्रथम है लोको पायलट और दूसरा गार्ड कॉपी। यदि ब्लॉक सेक्शन में बचे हुए हिस्से को सेम लोको पायलट लेने जा रहा है तो इस अथॉरिटी का ए वाला दूसरा पार्ट स्टेशन मास्टर द्वारा भरा जाएगा एवं लोको पायलट को पुनः सौंप कर ब्लॉक सेक्शन में रवाना किया जाएगा। इसे फिल करने के लिए इस पर गाड़ी नंबर, यहाँ पर लास्ट व्हीकल नंबर जो कि अगले पार्ट का जिसे लोको पायलट ले जा रहा है उस गाड़ी का है, यहाँ पर कुल वैगन या कोच की संख्या जो कि गाड़ी के अगले हिस्सा में है, यहाँ पर अगले स्टेशन का नाम, समय जो कि दोनों हिस्सा अलग करने का समय है, यहाँ पर किलोमीटर जहाँ पर गाड़ी का पिछला हिस्सा है, यहाँ पर टोकन या PLCT का नंबर अगर लोको पायलट के पास है तो भरा जाएगा, चालक और गार्ड का सिग्नेचर, दिनांक और समय, ये दूसरा पार्ट है जिसे अगले स्टेशन पहुँचने पर स्टेशन मास्टर फिल करके वापस चालक को देंगे और यही सेम चालक पिछला हिस्सा लाने वापस जाए। यह है T806 जिसका नाम है संटिंग ऑर्डर। इस अथॉरिटी का प्रयोग संटिंग कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें स्टेशन मास्टर संटिंग के दौरान होने वाले कार्यों के बारे में लिखते हैं और इसी के अनुसार लोको पायलट संटिंग कार्य करते हैं। वैसे स्टेशन जहाँ रेगुलर संटिंग होता है और इसके लिए अलग से संटिंग स्टाफ होता है वहाँ T806 देने की जरूरत नहीं होता है। इसे तीन प्रतियों में जारी किया जाता है, प्रथम लोको पायलट, सेकंड गार्ड और तीसरा रिकॉर्ड कॉपी। इसे फिल करने के लिए इसे जारी करने वाला स्टेशन का नाम, दिनांक, समय, गाड़ी नंबर, संटिंग का विवरण, संटिंग के लिए जिन सिग्नलों को ऑन स्थिति में पास करना है उसका नाम, यदि ब्लॉक सेक्शन में संटिंग करना पड़े तो ब्लॉक बैक या ब्लॉक फॉरवर्ड का विवरण, अन्यथा अगर जो लागू नहीं होता है उसे काट देंगे, स्टेशन मास्टर का सिग्नेचर, मुहर, चालक और गार्ड का सिग्नेचर, दिनांक और समय फिल किया जाएगा। ये है TA912 जिसका नाम है अथॉरिटी टू पास ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअली ऑपरेटेड एंड गेट सिग्नल्स, यानी यह अथॉरिटी ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में चलने वाली गाड़ी के लोको पायलट को उस समय जारी किया जाता है जब कोई ऑटोमेटिक सिग्नल या सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल या मैनुअली ऑपरेटेड स्टॉप सिग्नल या गेट सिग्नल खराब हो जाए तो इसे ऑन स्थिति में पास करने के लिए दिया जाता है। इसे फिल करने के लिए इसे जारी करने वाला स्टेशन का नाम, दिनांक, समय, ट्रेन नंबर, दोनों स्टेशनों का नाम, अगर ट्रेन गलत दिशा में जा रहा है और बीच में कोई गेट हो तो उसका नंबर, यहाँ पर सिग्नल का नंबर या नाम जिसको ऑन स्थिति में पास करना है, नीचे स्टेशन मास्टर का सिग्नेचर, यहाँ पर चालक और गार्ड का सिग्नेचर, दिनांक, समय दर्ज किया जाता है। ये है TB912 जिसका नाम है अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर ऑन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन, यानी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में इस अथॉरिटी का प्रयोग तब किया जाता है जब
दोनों स्टेशनों के बीच सभी सिग्नल खराब हो जाए और साथ में संचार के साधन भी काम करना बंद कर दे। यह दो प्रतियों में जारी किया जाता है, प्रथम चालक और दूसरा रिकॉर्ड कॉपी। इसे फिल करने के लिए जारी करने वाला स्टेशन का नाम, दिनांक, समय, गाड़ी नंबर, दोनों स्टेशनों का नाम, गाड़ी नंबर, अगले स्टेशन का नाम, इस सेक्शन में जाने वाले अंतिम गाड़ी का नाम और उसके समय। यहाँ पर परिस्थितियाँ जिसके कारण यह अथॉरिटी दिया जा रहा है वो लिखा जाता है। यहाँ पर सिग्नल नंबर जिसको ऑन स्थिति में पास करना है। यहाँ पर दोनों स्टेशनों का नाम, गाड़ी नंबर, स्टेशन मास्टर का सिग्नेचर मुहर, नीचे चालक और गार्ड का सिग्नेचर, दिनांक, समय। ये है TC 912 जिसका नाम है अथॉरिटी टू प्रोसीड फॉर रिलीफ इंजन या ट्रेन इनटू एन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन, यानी यह अथॉरिटी ऑटोमेटिक सेक्शन में सहायता इंजन या गाड़ी के लोको पायलट को अवरुद्ध यानी ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए दिया जाता है। इसे दो प्रतियों में जारी किया जाता है, प्रथम लोको पायलट, दूसरा रिकॉर्ड कॉपी। इसे फिल करने के लिए जारी करने वाला स्टेशन का नाम, दिनांक, समय, ट्रेन नंबर, स्टेशन का नाम जहाँ से गाड़ी रवाना होगी, किलोमीटर जहाँ तक गाड़ी को जाना है, किलोमीटर जहाँ पर गाड़ी को खड़ा करना है, किलोमीटर जहाँ पर अवरोध है, दोनों स्टेशनों का नाम, इस सेक्शन में जाने वाले अंतिम गाड़ी का नाम और उसका चलने का समय, दोनों स्टेशनों का नाम जिसके बीच विजिबिलिटी क्लियर रहने पर कौशन 15 KMPH और अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो कौशन 10 KMPH होगा, स्टेशन मास्टर का सिग्नेचर मुहर, नीचे चालक गार्ड का हस्ताक्षर, दिनांक और समय दर्ज किया जाता है। यह है TD 912 जिसका नाम है अथॉरिटी टू प्रोसीड एन ऑटोमेटिक सेक्शन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फेलियर ऑफ सिग्नल्स, यानी इस अथॉरिटी का उस समय प्रयोग किया जाता है जब ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में सभी सिग्नल्स लंबी अवधि के लिए खराब हो जाए। यह दो प्रतियों में जारी किया जाता है, प्रथम लोको पायलट और दूसरा रिकॉर्ड कॉपी। इसे फिल करने के लिए इसे जारी करने वाला स्टेशन का नाम, दिनांक, समय, गाड़ी नंबर, दोनों स्टेशनों का नाम, अगले स्टेशन से लाइन क्लियर के रूप में प्राप्त हुआ प्राइवेट नंबर, अगले स्टेशन का नाम, दोनों स्टेशनों का नाम जिसके बीच मैक्सिमम गाड़ी का स्पीड 25 KMPH होगा, अगले स्टेशन का नाम, स्टेशन मास्टर का सिग्नेचर मुहर, नीचे चालक कार्ड का सिग्नेचर, दिनांक और समय दर्ज किया जाता है। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।